बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर कंप्यूटर पीरियड बेटे। फर्स्ट रिसाइट दुआ विद मी, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ओ माय लॉर्ड इंक्रीज माय नॉलेज। सो बेटा ओपन पेज नंबर 3। नाउ हियर बेटा, वी वर स्टडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र। Now an example of multi-user, Microsoft Windows. And in Microsoft Windows, we were studying different features like desktop and icons, icons on the desktop. Now next, turn the page. On page number 4, we have the heading files and folders. Files and folders kya hote hain bete? Any piece of information stored in the computer is in the form of a file. जब भी हमारे पास कोई papers होते हैं, हमारे certificates होते हैं या हमारे assessment के papers हमें मिलते हैं, तो हम उनकी एक file बना लेते हैं ना। ये school की तरफ से भी file मिलती है, उस file में सारे paper लगे हुए होते हैं। Similarly, computer में भी जो file होती है उसमें सारे data और programs होते हैं। Different type की files होती हैं, like sound files, movie files and document file. ईच फाइल रिप्रेजेंट होती है बाय अ डिफरेंट आइकन, और हर फाइल को आप नाम भी दे सकते हैं, वो उसका फाइल नेम कहलाता है। नाउ व्हाट इज़ फोल्डर? अ फोल्डर इज़ यूज्ड टू स्टोर अ ग्रुप ऑफ फाइल्स। आपने 3-4 फाइल्स बना दी, ऐसे ज़्यादा, फिर उनको आपने एक जगह पे स्टोर कर लिया, तो उसके लिए क्या यूज़ होता है? फोल्डर। फोल्डर का आइकन ऐसे होता है जैसे हमारा आम फोल्डर होता है ना बेटे, जिसमें हम पेपर्स लगा कर रखते हैं, और इस फोल्डर में दूसरे फोल्डर्स भी हो सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज टास्क बार। टास्क बार क्या होती है? जब हमारी कंप्यूटर स्क्रीन खुलती है और हम काम कर रहे होते हैं, तो नीचे आपने देखा होगा ना, एक लंबी सी लाइन आ रही होती है लाइक दिस। दिस इज़ कॉल्ड द टास्क बार। ये टास्क बार ये बताती है कि इस वक्त कंप्यूटर में कौन कौन से प्रोग्राम ओपन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपके सामने टास्क बार दी हुई है, इसमें लास्ट में देखें ये 3 आइकन्स दिए हुए हैं। ये एडोबी फोटोशॉप है, ये वर्ड 2013 है, और ये एडोबी रीडर है। इसका मतलब है कि इस वक्त हमारे कंप्यूटर में ये तीनों प्रोग्राम्स खुले हुए हैं। ठीक है, तो जो प्रोग्राम्स ओपन होते हैं उनके आइकन्स टास्क बार में बने हुए आ जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द टास्क बार। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो यहाँ बॉटम में टास्क बार होती है, लेकिन आप इस टास्क बार को चारों साइड में से कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, जहाँ पर आपका दिल चाहे। देखें इस पिक्चर में आपको टास्क बार कहाँ नज़र आ रही है? बॉटम पर है? नो, ये देखिए ये राइट साइड पर आ गई है। ठीक है, तो टास्क बार को हमने यहाँ से यहाँ मूव करवा दिया। मूव करवाने का प्रोसेस क्या है? नंबर 1, मूव द माउस पॉइंटर टू एन एम्प्टी स्पेस ऑन द टास्क बार। ये हमारी टास्क बार है, इसमें ये एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पर हमने क्या किया, अपना माउस का पॉइंटर मूव करवा दिया। ठीक है, उसके बाद क्लिक एंड होल्ड द माउस बटन। माउस बटन को हमने क्लिक किया और होल्ड कर लिया, फिर माउस पॉइंटर को आपने ड्रैग किया, और ड्रैग करके आप राइट स्क्रीन पर आ गए। यहाँ आके आपने माउस का बटन रिलीज कर दिया, तो टास्क बार यहाँ से यहाँ मूव कर गई। ठीक है, क्लियर हो गई बात। नाउ कम टू पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 पे आपको टॉप टिप दी हुई है कि अगर आपकी टास्क बार कभी ऐसा हो कि मूव ना कर रही हो, तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि वो लॉक हो सकती है। उसको अनलॉक करने के लिए हमें क्या करना होगा? नंबर 1, राइट क्लिक एंड एम्प्टी स्पेस ऑन द टास्क बार, अ कॉन्टेक्स्ट मेन्यू अपीयर्स। जब हम यहाँ रखेंगे एम्प्टी स्पेस पर, तो माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, उससे एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आ जाएगा। क्लिक द लॉक टास्क बार चेक मार्क सो दैट द चेक मार्क डिसअपीयर्स। वहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में हमारे पास आ रहा होगा लॉक द टास्क बार चेक मार्क, उसको हम क्लिक कर देंगे तो हमारा जो लॉक है वो अनलॉक हो जाएगा। ठीक है बेटे, अभी आप इन पेजेस की रीडिंग कीजिए और उसके बाद आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।